Good afternoon, students. Today in this video lecture, we study the chapter Nutrition in Living Organisms. We study today these three points. First point is nutrition, autotrophic plants, and transport system in plants. We study these points one by one. Firstly, we see what is meant by nutrition. Okay? So, अब हमें देखना है लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसमें जो डाइजेशन सिस्टम होती है, जो लाइफ प्रोसेस रहती है, उसके लिए गुड हेल्थ, ग्रोथ, एनर्जी जो सब रहती है वो कहाँ से आती है, कैसे आती है. ओके, सम लाइफ प्रोसेसेस गो ऑन कंटिन्यूअसली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जो लाइफ प्रोसेस है वो कौन से, कहीं सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कंटिन्यूअसली चालू रहते हैं. So substances which are digested and assimilated for obtaining energy and for the growth and health of our body. हमारे body में अच्छी तरह से digestion, energy मिलने के लिए, good health, growth के लिए, जो भी body को लगता है, जो substance body को लगता है उसको क्या बोलते हैं, food stuff बोलते हैं. क्या बोलते हैं, food stuff बोलते हैं. Okay? तो हम पहले न्यूट्रिशन की प्रोसेस, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन समझ लेते हैं. ओके, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड यूजिंग फूड विच टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. क्या है डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड यूजिंग फूड विच प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड यूजिंग फूड विच प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. It's called nutrition. The process of taking in and using food which take place in living organism. जो प्रोसेस है जो हमारे बॉडी में जाती है एंड फूड को यूज करती है वो कौन से ऑर्गेनिजम्स में होती है, ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन. ओके, अब हमें आगे देखना है नीड फॉर न्यूट्रिशन. हमें न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों होती है, न्यूट्रिशन क्या काम करता है. देखो, फर्स्ट पॉइंट इज टू सप्लाई द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डूइंग वर्क. हम पूरे दिन काम करते तो हमारे बॉडी को क्या चाहिए होती है, एनर्जी. तो वो हमें न्यूट्रिशन देता है, हमारे बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सेकेंड पॉइंट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. थर्ड पॉइंट इज टू रिप्लेस द डैमेज सेल एंड रिपेयर टिश्यूज. हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स है अगर वो डैमेज हो गए उसको वो रिप्लेस करता है, यानी एंड टिश्यू को भी रिपेयर करने के लिए न्यूट्रिशन की हेल्प होती है. एंड लास्ट वन इज टू फाइट डिसीजेस. हमें डिसीज अगर कौन सा हुआ तो उसके अगेंस्ट फाइट, हमारी बॉडी फाइट करती तो वो न्यूट्रिशन की हेल्प से करती है. ओके, अब न्यूट्रिशन में है दो टाइप्स, फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड वन इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड वन इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ओके, अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स व्हाट, सम ऑर्गेनिजम्स कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड and thus nourish themselves. This is called autotrophic nutrition. जो organisms उनका खुद का food खुद produce करते हैं
उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक, मतलब वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। एंड हेटरोट्रॉपिक मीन्स सम ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स और एनिमल्स फॉर देयर फूड, दिस इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं जो सिर्फ दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए, उनका खुद का फूड वो खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, अब न्यूट्रिएंट्स में हमने ये दो टाइप देखे, राइट। अब इसके अलावा वी गेट सेवरल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फॉर फूड स्टफ। जो फूड स्टफ रहता है उस फूड स्टफ में भी न्यूट्रिएंट्स के दो टाइप्स रहते हैं, फर्स्ट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड सेकेंड वन इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब मैक्रो मतलब बड़ा एंड माइक्रो मीन्स छोटा, राइट। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आते हैं, वो हमारे बॉडी में लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, इसके लिए उनको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। एंड मिनरल्स एंड विटामिन्स जो है वो हमारे बॉडी में वेरी स्मॉल क्वांटिटी में हमें चाहिए होते हैं, इसके लिए उनको क्या बोलते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। समझ में आया। अब हमें आगे देखना है ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स। मैंने बताया ऑटोट्रॉफिक मीन्स व्हाट, जो दूसरों पे डिपेंड नहीं रहते। जो दूसरों पे डिपेंड नहीं रहते, खुद का फूड खुद बनाते हैं, उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। ओके, तो हमें उसमें देखना है, देखो प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ। जैसे हमें ह्यूमन को बॉडी की ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है, वैसे ही प्लांट्स को भी ग्रोथ करने के लिए उनका खुद का फूड चाहिए होता है। ओके, दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड। ऑटोट्रॉफिक प्लांट जो है वो उनका खुद का फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ वो, अब आप सोच रहे होंगे वो फूड कैसे बनाएंगे, तो वो किन की हेल्प लेते, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इसकी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्लांट्स मेक देयर फूड इन देयर लीव्स। प्लांट्स के जो लीव्स है उसमें प्लांट्स का फूड वो बनाते हैं। ओके, यूजिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। सॉइल में जो वाटर रहता है, जो न्यूट्रिएंट्स रहता है, उनकी मदद से वो फूड बनाते हैं। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। सॉइल में हमें पता है वाटर रहता है एंड न्यूट्रिएंट्स रहता है, एंड एयर में क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, तो इसकी हेल्प से वो फूड बनाता है। ओके, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स खाना बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ओके, अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की एक रिएक्शन है, क्या है रिएक्शन, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एंड ये दोनों ऐड होने के बाद आगे क्या होता है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल वो यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की मदद से वो क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फूड। और फूड बनाने के बाद हमें क्या मिलता है, उनसे भी ऑक्सीजन मिलता है। क्या मिलता है, ऑक्सीजन। एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है प्लस सॉइल में जो वाटर रहता है, ये दोनों ऐड होने के बाद सनलाइट एंड क्लोरोफिल की मदद से वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, फूड प्रोड्यूस करते हैं। एंड क्या रिलीज होता है बाद में, ऑक्सीजन रिलीज होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, क्या है, CO2, 6 CO2 प्लस वाटर का क्या है, 6
H2O. वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O. उसको बोलते हैं मोलिक्यूलर फॉर्मूला. ओके, फूड. फूड मतलब क्या है? कौन सा फूड? ग्लूकोज. कौन सा फूड है? ग्लूकोज. अब फूड मतलब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6. क्या है? C6H12O6. और लास्ट में ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है? 6O2. ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है? O2. ये है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन. ओके, अब आगे देखो क्या है. प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. प्लांट जो है लाइट एनर्जी मतलब सनलाइट, वो कहा सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. ओके, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है एंड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फूड. सनलाइट की मदद से वो फूड बनाते हैं एंड उसको स्टोर करके रखते हैं. ओके, वाटर मिनरल्स एंड सॉल्ट्स आर एब्सॉर्ब बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल. जो प्लांट्स के रूट्स रहते हैं सॉइल में, वो क्या एब्सॉर्ब करता है? वाटर एब्सॉर्ब करता है, मिनरल्स एंड सॉल्ट को एब्सॉर्ब करता है. एंड जो स्टीम रहता है प्लांट का, वो स्टीम इस वाटर को, मिनरल को, साल्ट को कहाँ पहुंचाता है? अप टू लीव्स, लीव्स तक पहुंचाता है. एंड जो लीव्स है उस लीव्स के ऊपर बहुत माइक्रोस्कोपिक, हमें नजर भी नहीं आता है, उतना बारीक बारीक ओपनिंग्स मतलब बारीक 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 होल उसमें रहता है. उसको क्या बोलते हैं? स्टोमाटा. क्या बोलते हैं? स्टोमाटा. और वो जो एयर में CO2 रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, उसको भी वो एयर में से एब्सॉर्ब कर लेता है. ओके, एंड उसके बाद सनलाइट, क्लोरोफिल सबको वो एब्सॉर्ब करता है एंड फूड होने के बाद वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है, हमें उससे ऑक्सीजन मिलता है. ओके, कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स है. अब हमने देखा जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो कहाँ होती है? लीव्स में होती है. क्या होती है? लीव्स में. लेकिन कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स है, उस प्लांट्स के ग्रीन स्टीम, उनके स्टीम में भी वे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती रहती है. ओके, समझ में आ गया. अब हमें आगे देखना है ट्रांसपोर्ट स्टीम इन प्लांट्स. क्या देखना है? ट्रांसपोर्ट स्टीम इन प्लांट्स. अब देखो हमें उसके पहले एक एक्सपेरिमेंट करके देखना है. पंपकिन तो सबने सुना ही होगा. उस पंपकिन के स्टीम को आपको लेना है, उसको 2 या 3 लीव्स होने चाहिए. ओके, उसको अंडर वाटर कट करना है विद द शार्प ब्लेड. टेक सम वाटर इन अ कोनिकल फ्लास्क. कोनिकल फ्लास्क में वाटर लेना है, उसमें 7 to 8 ड्रॉप्स इंक के डालने हैं. और इंक डालने के बाद उस वाटर में पंपकिन के स्टीम को आपको खड़ा करके रखना है. उसके बाद क्या चेंजेस आता है उसको आपको क्लासरूम में डिस्कस करना है. ओके, आपको ये करके देखना है. पंपकिन के स्टीम को लेना है, स्टीम पंपकिन को नहीं, स्टीम को लेना है. वाटर में इंक डालनी है और उसमें उस स्टीम को खड़ा करके रखना है. ओके, अब हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ट्रांसपोर्ट सिस्टम में प्लांट्स में 2 टाइप्स रहते हैं. एक फर्स्ट वन इज जाइलम एंड सेकेंड वन इज फाइलम. जाइलम एंड फाइलम. अब जो जाइलम है, जाइलम, वो जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? मिनरल्स एंड वाटर्स फ्रॉम द रूट टू ऑल एरियल प्लांट्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. जो जाइलम है मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द रूट, मिनरल्स एंड वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है. मिनरल्स एंड वाटर
मिनरल्स एंड वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है रूट्स से लेकर पूरे प्लांट्स के पार्ट तक। एंड फाइलम जो है वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। From roots to other parts of plants. समझ में? जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट करता है, मिनरल्स एंड वाटर को, कहां से कहां तक, फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स। अब जो फाइलम है वो फाइलम किसको ट्रांसपोर्ट करता है, फूड, फूड मतलब ग्लूकोज, और कहां से कहां तक करता है, फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। समझ में? Plants have a transport system. They do not have a separate digestive or excretory system. जिस प्लांट्स को ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है उस प्लांट्स को डाइजेस्टिव और एक्सिटरी सिस्टम नहीं रहती। समझ में आया? उनको सिर्फ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही रहती। प्लांट्स प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स किसको प्रोड्यूस करती है, कार्बोहाइड्रेट्स को, यूजिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड फ्रॉम कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो किन से बनता है, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। एंड जो प्रोटीन है, प्रोटीन किन से बनता है, प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से बनता है। ओके, समझ में आ गया? सो कल के वीडियो में हम हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, बाय।